दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और दोस्तों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्य की अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी घर में नहीं होता, बल्कि उसी घरों में होता है जो कि भाग्यशाली होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं, और कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर की पुत्री की धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थव, अगर किसी के घर में बेटे भाग्यशाली होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से और को भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म से पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर किसी के नहीं होती तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता था। तो दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटे तो केवल एक ही कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व को निर्वाहित करती है, तो दूसरे ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे करते हुए पालन करती है। दोस्तों, आजकल आपने सुना ही होगा कि बेटियां बहू परिवार में के मर जाने पर उसका वर्ण नहीं कर सकते, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तो माता सीता के अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इंसान ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंड दान कर सकती है। वही अगर ससुराल के पक्ष में कोई भी पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंड दान कर सकती है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच होती है कि बेटी है पर पढ़ाई के पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन ये सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। जरा सोचिए कि एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं और उसे कुछ करना है, इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में हर खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मानना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि कितने खास है वह बेटी। दोस्तों, आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।